सबको नमस्कार। आज हम नारायणगिरी पहाड़ी पर जा रहे हैं। नारायणगिरी पहाड़ी रामनगर से 19 किलोमीटर और बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूरी पर है और यह नारायणगिरी पहाड़ी समुद्र स्थल से लगभग 3,800 फीट ऊपर है। आपको रामनगर के बस स्टैंड के पास एक राइट लेना पड़ेगा। वहाँ से जो रास्ता मागड़ी रोड जाता है वो रास्ते पे जाना पड़ेगा। यह पहाड़ी ज्वालामंगला गांव में है। यहाँ से कुछ 19 किलोमीटर दूरी पर है। देखिए यह है बेंगलोर मैसूर हाईवे रोड। जा रहे हैं तो ये हाईवे लेके आ सकते हैं। वहाँ पे रामनगर एग्जिट करके आपको सर्विस रोड लेना होगा और यहाँ पे मागड़ी रोड ज्वाइन करना पड़ेगा। रामनगर के पास आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे शोले फिल्म का शूटिंग भी रामनगर के आसपास ही किए थे। रास्ते में हमें तिमप्पा पहाड़ी दिखने को मिलता है। तो तिमप्पा पहाड़ी भी एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। देखिए यह रास्ता तिमप्पा हिल को जाता है। नारायणगिरी पहाड़ी आज से 8 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। सड़क भी अच्छी है। यहाँ पे देखिए गांव में कुछ फेस्टिवल चल रहा था, काफी लोग जमा हुए थे। देखिए हमें वह तिमप्पा पहाड़ी दिख रहा है। रास्ता भी अच्छा है। आसपास हमें सुंदर गांव दिखता है, पहाड़ भी दिखते हैं। ये देखिए हम जलमंगला गांव पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से और 3 किलोमीटर दूर पे नारायणगिरी पहाड़ी मिलता है। देखिए आज से हमें दिख रहा है पहाड़ और आगे जाके एक लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ पे लेफ्ट टर्न लेना है हमें। यहाँ से और 2 किलोमीटर दूरी पर है वो। और यहाँ पे देखिए एक खूबसूरत झील है पहाड़ के नीचे। चलिए कुछ देर यहाँ पर रुक के चलते हैं। आप यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं। काफी अच्छी जगह है। फोटोग्राफी के लिए अच्छी जगह है।
वो देखिए पीछे पहाड़, आगे झील और यह प्राकृतिक सौंदर्य। हल्की बारिश भी हो रही है। लेकिन यह नजारा देखिए, यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटी करते तो और भी अच्छा होता। और यहाँ से आगे 200 मीटर के आगे हमें एक रास्ता मिलता है, वहाँ से जाना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर। देखिए यहाँ पे ये रास्ता है, रास्ता बनाया है, टू व्हीलर ले जा सकते हैं। थोड़ा खराब भी है, ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा हमें। टू व्हीलर ले जा सकते हैं, फोर व्हीलर में आए तो कुछ दूर के बाद आपको कहीं पे पार्किंग करना पड़ेगा। ये देखिए हनुमान जी का मंदिर मिला। चलिए दर्शन करके चलते हैं। आइए हनुमान जी का दर्शन करें। लगता है अब कुछ रिनोवेट का काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ से व्यू भी अच्छा लग रहा है। और रास्ते ऐसा है, चलिए आगे चलते हैं। रास्ता ऐसा है, ड्राइव कर सकते हैं लेकिन कुछ जगह गड्ढे पड़े हैं, वहाँ पे आपको सावधानी से गाड़ी चलानी पड़ती है। ये देखिए ऐसा है रास्ता। अगर मुश्किल हुआ तो वहीं पे दूर पे कहीं पार्किंग करके आप पैदल भी आ सकते हैं। तो टू व्हीलर था लेके गए हैं, पूरा फुटव्हील तक लेके गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग गाड़ी पार्क करके गए हैं। वो पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे चढ़ना है अभी। से नजारा देखिए कैसा दिख रहा है। लगता है आधा रास्ता चढ़ चुके हैं और आधा तैर करना बाकी है। वहां पे सीढ़ी दिख रहा है ना, वहां से जाके चढ़ना पड़ेगा अभी। चलते हैं, चल के देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ पे देखिए एक पैर का निशान है भगवान का, वहाँ पे कुछ लोग पूजा करके चढ़ते हैं। हम ऐसे ही आज चढ़ के चल रहे हैं। ऊपर पहुंचने के लिए कुछ 500 सीढ़ियां चढ़नी होगी है।
लगता है सीढ़िया भी रिसेंटली बनाया होंगे, उनके वो किनारे पे जो पत्थर ऐसे ही पड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। और यहाँ से नजारा देखिए कैसा दिख रहा है। एक एक ऊंचाई चढ़ने पर अलग अलग सा नजारा देखने को मिलता है, ये एक ट्रैकिंग का एडवांटेज है। यहाँ से देखिए कितने दूर दूर तक दिख रहा है, और दूर का पहाड़िया भी दिख रहा है यहाँ। ओहो, क्या नजारा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये कुछ किले का दीवार लग रहा है। देखिए पहुंच गए हम, और यहाँ का नजारा देखते हैं। ये पहाड़ को लक्ष्मी नारायण स्वामी पहाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि ऊपर एक मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, उसके वजह से वो लक्ष्मी नारायण का नाम आया। लक्ष्मी नारायण स्वामी पहाड़ बोलते हैं, नारायणगिरी पहाड़ भी बोलते हैं। और यहाँ का नजारा देखिए, वहाँ पे एक छोटा सा बादल भी दिख रहा था, वो देखिए वो तिमापा पहाड़ी है। यहाँ से कुछ 8 किलोमीटर दूरी पे है, वो भी एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। आप यहाँ पे आए तो वो जगह भी क्लब कर सकते हो। और यहाँ से देखिए वो नीचे का जो झील देखे है ना, वो भी दिख रहा है। तो वहाँ दिख रहा है ना, और दूर वो ज्वाला मंगला गांव है। और यहाँ से कुछ पहाड़िया भी दिख रहा है, वो दूर का जो पहाड़ दिख रहा है वो सावन दुर्गा हिल है, मागड़ी के पास आता है, वो पहाड़ भी यहाँ से दिखता है। और यहाँ के देखिए दूर दूर का जो पहाड़िया दिख रहा है, रामनगर के आसपास बहुत सारे पहाड़ है। और चलिए ये मंदिर देख के आते हैं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर। काफी पुरानी लगती है,
पता नहीं कितने साल के पहले का होगा। आइए दर्शन करके चलते हैं। वो देखिए लक्ष्मी नारायण स्वामी, चलिए पीछे चलते हैं और देखते हैं वहां क्या है। और यहाँ से भी नजारा अच्छा लग रहा है। चलिए आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग कैंपिंग भी करके गए लगता है। वहाँ पे जले हुई लकड़ियाँ मिली हमें। काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप बेंगलुरु के पास आए तो एक दिन की ट्रिप को बना के यहाँ पे आइए। और यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए। यहाँ का व्यू देखिए। अति सुंदर, मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। वह ये दृश्य का आनंद लेते हैं। शाम के लगभग 5 बजे है। हम थोड़ी देर में निकलेंगे। जाते वक्त तो तिमप्पा पहाड़ी देख के चलते हैं, जो पास ही है यहाँ पे। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। वैसे ब्यूटीफुल नज़ारे देखने को मिला। आप भी देख के एंजॉय कीजिए। और ये वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको धन्यवाद। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।